कितनी बार बोला है काम में लापरवाही मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मुझे ओलबा दिलाने में पता नहीं काम मजा आता है। अब की बार तो गलती हो गई, अगली बार हो गई तो दोनों टांगे तो काटूंगा, साथ में तीसरी टांग और काट दूंगा। भग जाओ यहाँ से। अच्छा सेठ जी, जो बैठ। क्या? मेरा मतलब बैठो बैठा बैठो। अच्छा सेठ जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, कुछ समय पहले तो आपके चश्मा लगाने ही हुआ था, तो ये कहाँ से लिया है? अरे वो तूने सुना नहीं क्या? काम तू करे या करूँ काम, फिर मैं काम होता है काम का, और जो बंदा अपना स्टाइल ही चेंज ना कर सके वो बंदा ही किस काम का। ला सेठ जी, मुझे मेरा हिसाब दे दो कबाड़ का, फिर मुझे जानना भी है यार। ला भाई। ठीक है सर जी, चलता हूँ। सेठ जी ये क्या है? अरे सेठ जी, इसमें मानचित्र है। पागल हो गया क्या, या फिर दिन में सपने देख लिया? ध्यान से देख साले, वो सादा कागज है। मतलब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सेठ जी, ये लो पैसे और ये मुझे दे दो। ले जा मेरे कौन से यहाँ बीबी बच्चे पल्ले, ले जा। मुझे इस बहन के लोड़े पर अभी भी विश्वास नहीं है। भाई यार मेरा विश्वास करो, अगर ये खजाना अपनों को मिल गया ना तो अपने रातों रात अमीर बन जाएंगे। सच्ची? अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन इस खजाने तक हम पहुंचेंगे कैसे? इस मानचित्र की मदद से। वो कैसे? भाई इसमें न्यूटन का चौथा नियम कहाँ गया? न्यूटन का चौथा नियम गया तेरी गांड में? चुपचाप मैप देख ले, नहीं तो साले को यही फेल दूंगा। तो भाई साहब इसमें कुछ दिखेगा तभी तो देखेंगे ना, पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा, एक चिन्नार भी ना दिख रही साली इसमें। सही में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना? ये पहली ना, ये खजाना नहीं, और तुझे? अरे भाई सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ भेन चोद, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैप तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा और तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, और बातों बातों में मुझे ये बात याद आई कि उस कबाड़ वाले को भी ये मैप नहीं नजर आ रही थी। ओ भाई मुझे लगता है तेरा और इस मानचित्र का कोई पुराना संबंध है, तभी तो हम दोनों को छोड़ के सिर्फ तुझे दिखाई दे रहा है। ओ मतलब ये मानचित्र सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है, और इस हिसाब से इस खजाने की खोज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ठीक है फिर, अपने कल सुबह निकलते हैं। अरे बिट्टू भाई चलते ही रहोगे या इसी मानचित्र को देख के बताओगे कि हमें जाना कहाँ है? अरे वाह बेटे, अच्छा हुआ तूने हमें बता दिया कि हमें मानचित्र भी देखना है, अगर ये तू ना बताता ना तो हम खजाने तक पहुँच ही नहीं पाते। शुक्रिया भाई शुक्रिया। डट साले सुअर कह के, तुम दोनों को मैं ही तो लेके आया हूँ यहाँ तक, चलो। अरे भाई लड़ाई मत करो यार, मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और तुम यहाँ लड़ाई कर रहे हो। तो तू यहाँ खड़े खड़े क्या हम ले रहे, वहाँ जाना। नहीं भाई यार, तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया ना, मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा? नहीं भाईचारा देखा? नहीं, मैंने तुम्हारी आंखों में पैसे की चमक देखी है। अरे भाई मानचित्र को ऐसे टुकड़ टुकड़ कैसे देख रही है? ओ बहन चोद, ये तो मानचित्र का दूसरा टुकड़ा है, इसका पहला टुकड़ा किसके पास है? मियां खलीफा, इसका दूसरा टुकड़ा हमारे पास होती। आप कौन? हमारा नाम बसरुद्दीन उल्ला फखरुद्दीन उल बिन कासिम अल्लादीन नसरुद्दीन है। इसकी मागा, उसकी मागा, तेरी मागा, इसकी मागा, मेरी मागा, सबका दिन हमारा नाम उसलेद्दीन उल बिन फखरुद्दीन होती। ये कैसा नाम है? ये तो हमारा निकनेम होती, हमारा फुल टू नेम। शेख साहब को ऐसा नाम बताओ जिसे हमें लेने में आसानी हो। तो फिर ठीक होती, तुम हमें प्यार से चू बुलाती।
चेक साहब अगर बुरा ना माने तो चू के पीछे तिया लगा सकती। क्यों? क्योंकि चू और प्लस तिया चूतिया बन जाती। बहन की लोड़ी हमें बताती हराम जाती, वल्ला इस चूतिया को देख कर हमें एक शायरी याद आती कि चूतिया तो हम बहुत देखती, तुम जैसा चूतिया देखती हम पहली बार। बहन की लोड़ी इशाद तो करती। इशाद 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 कि चूतिया तो हम बहुत देखती, तुम जैसा चूतिया देखती हम पहली बार। शेख साहब, शेख साहब, अबे बहन की लोड़ी शेख साहब। हाँ हाँ हम कहाँ होती कि चूतिया तो हम बहुत देखते, तुम जैसा चूतिया देखती हम पहली बार। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार काना कानी करी तो गांड मार ली जाएगी अब की बार। दो शेख साहब बातचीत अब बहुत होगी है, मानचित्र का पहला टुकड़ा और पहली पहली आपके पास है, जरा देख के बताओ अब करना क्या है। वसरुद्दीन हमारे हाथ में देती, बहन की लोड़ी ये हाथ में नहीं मानचित्र हाथ में देती। तो पहली पहली होती, अंडे जैसा मैं गोल हूँ, सबसे ज्यादा अनमोल हूँ, मैं अगर घर से ना आऊं अंधा तुम सबको बनाऊं। तो शेख साहब इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर है आमलेट। तुझे कैसे पता? क्योंकि अंडा टूटेगा तो ही तो आमलेट बनेगा ना। फांसड़ी की अगर ऐसा जवाब अब हमें मिलती तो हम तुम्हारी दोनों गोटियां निकाल के यहीं कच्चे खेलती। इसका उत्तर है सूर्य, हमें सूर्य की दिशा में जाना होगा। तो फिर चलती। वल्लाह तुम्हारे राजस्थान में कितनी गर्मी होती, हमें प्यास लगती, कोई हमारे लिए पानी लाती। हम लेके आते हैं शेख साहब। अरे छोटू तू इतने दिनों का पानी कैसे लेके आएगा? अरे भाई हमें भी तो प्यास लगी है, चल मैं चल लाऊं तेरे साथ। ये ले। तुम दोनों इधर बैठती। वो पानी लाने में बहुत टाइम लगाती। शेख साहब आ गया। हम वल्ला हमारा साथी कहाँ होती? वो क्या करती? हमारा साथी कहाँ होती? वो उसकी अम्मी जान का कॉल आया कि उसके घर पे कोई जरूरी काम हो गया तो मैंने उसको वहाँ भेज दिया। माशाल्लाह ये काम तुम बहुत अच्छा करती, हम खुश होती। शेख साहब हमें इतना आराम नहीं करना चाहिए, रात होने से पहले अपने को खजाना भी ढूंढना है, चलिए। चलती चलती चलती। वल्लाह हबीबी ये क्या नई आफत होती है। शेख साहब ये इनविजिबल दीवार है, इसको पार करने के लिए अपने को दूसरा पहली पढ़नी पड़ेगी। आधी कटे तो गीत सुनाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं, अंत कटे साथी बन जाता, सबके मन को हरदम में भाता। तो मिया इसका उत्तर क्या होती? इसका उत्तर होती संगीत। तुझे कैसे पता? साले कभी स्कूल गए अनपढ़ कहीं के, एकदम चिंदी पहली है ये, बच्चे बच्चे तक को पता है। हबीबी तो इस संगीत से ये दीवार कैसे टूटती? हमें इस दीवार को तोड़ने के लिए संगीत गाना पड़ेगा। हमें से अच्छा संगीत कौन गाता है? मैं। गा फिर। साले जॉनी सिंह की फिल्म चल रही है, तुमसे अच्छा तो मैं गाती। गाओ। तेरी मेरी प्रेम कहानी। बस एक साथ रहने दो, तुमसे अच्छा तो मैं गा लूंगा, ये ले पकड़ो। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ा है लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाया। मिया दीवार टूट जाती, अब हम अगली मंजिल की तरफ जाती। वल्ला शाहरुख तुम्हें खजाना मिलती तो तुम उस खजाने का क्या क्या करती? पहले लाऊंगा मैं एक कार, फिर बनाऊंगा बहुत बड़ा घर, फिर लाऊंगा लैम्बोर्गिनी जिसको ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा।
क्या पता तुम्हें खजाना नहीं मिलती। मतलब अब अपने खजाने के बहुत करीब है और उस खजाने तक पहुंचने के लिए अंतिम पहेली है ये। जल पीले टल जाए उमर, पवन पाप पल जाए, पके सेब सा रंग और रवि सा तेज सुहाए। वल्लाह इसका जवाब तो बहुत मुश्किल होती हबीबी। हो सकता है इस पहेली में इसका उत्तर छिपाओ। हाँ ये भी हो सकता है। मुझे मिल गया इसका उत्तर। क्या? आग, क्योंकि आग ही वो है जिसका रंग सेब जैसा और तेज सूर्य जैसा है। वल्लाह हबीबी तुम बहुत होशियार होती, हम तुमको कुछ ना कुछ खिलाती। मटर पनीर खिला देना, वो बहुत टेस्टी होता है। वल्लाह हमारा लंड भी टेस्टी होती, तुम खाती हराम जाती। हाँ इस पहेली का उत्तर आग है। मुझे लगता है इस मानचित्र का जलना और खजाने का कोई ना कोई संबंध है। तुम तो ऐसे बात करती हबीबी जैसे अभी हम यहाँ पे खोदती और यहाँ से हम खजाना निकाल लेती। बिल्कुल सही, खजाना इसी के नीचे है। प्रकाश खोदना चालू करो। वल्लाह हबीबी तुम इस बच्चे से इतनी मेहनत क्यों करवाती जब यहाँ खजाना नहीं होती। अब ये खजाना अपने दोनों का। अपने दोनों का? मैं इसे लेकर दुबई जाती। क्या? हाँ तुझे नहीं देती मैं। वल्लाह हबीबी हमें खजाना मिल जाती हम जल्दी ही दुबई आती। हे गाइस वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हमने कई दिनों बाद ऐसी एडवेंचर और एक्शन वाली वीडियो शूट करी है। तो इस वीडियो को आप अपना फुल सपोर्ट करना और अपना प्यार देना और इस वीडियो के लाइक एम रखने अपने 300, तो जल्दी से जल्दी पूरे करवा देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। लव यू गाइस, बाय।